हेलो गाइस, प्रशांत पाटिल हिंदी सर। तो फिर आज की इस वीडियो में मैं से आपको ऐसे थ्री मैजिकल टिप्स शेयर करने वाला हूँ ऑन द टॉपिक हाउ टू इम्प्रेस पीपल। ओके, सो वेल, अगर आपने इन तीन टिप्स का इस्तेमाल किया तो फिर आप आसानी से लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो। ओके, तो फिर फर्स्ट पॉइंट, तो फिर मैं इस टॉपिक पे सोच रहा था कि मैं एक्चुअली में किस लोगों से इम्प्रेस करता हूँ। तो फिर मेरे दिमाग में मेरे कुछ दोस्तों के इमेजेस आए। ओके, तो फिर एक कॉमन बात उन सभी इमेजेस में पाई गई, दे हैव अ प्रॉपरली स्माइल ऑन द फेसेस व्हेन दे एक्चुअली टॉक विद पीपल। ओके, तो फिर आपने ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि आप लोगों से बात करते समय एक प्रॉपरली स्माइल रख के बात करनी है, क्योंकि अगर आप लोगों से प्रॉपरली स्माइल रख के बात करोगे तो फिर ये काफ़ी इंटरेक्टिव वे में आपके कम्युनिकेशन हो पाती है और लोगों को ऐसा अज्यूम होता है कि सामने वाला इंसान आपसे प्रॉपरली इंटरेक्शन कर रहा है। ओके, तो फिर इससे आप लोगों को आसानी से इम्प्रेस कर सकते हैं सिर्फ एक स्माइल की वजह से। सो कीप स्माइलिंग ऑन द टॉकिंग विद पीपल। नाउ मूविंग टू द सेकंड मैजिकल टिप। तो फिर सेकंड मैजिकल टिप बताने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने वाला हूँ, ठीक है? तो फिर क्या आपको ऐसे लोग पसंद थे जो ज़्यादा बात करते हैं, दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए खुद को उठा के बात करते हैं? फिर क्या लोग आपको ऐसा लोग पसंद है और उन लोगों को लगता है कि इस तरीके से बात करने से वो दूसरों को ज़्यादा इम्प्रेस कर दे? तो फिर द आंसर इज ट्रूली नो। ऐसे लोग किसी को भी पसंद नहीं आते जो खुद के बारे में ज़्यादा बात करते हैं और सामने वाले को बात करने का मौका ही नहीं देते। ओके, तो फिर साइकोलॉजी में एक फैक्ट लिखा है कि द पीपल हु स्पीक मोर ही ऑलवेज लूजेस। सो कीप इन माइंड ऑलवेज रिमाइंडर इज ए लिसनिंग इज ए की टू सक्सेस। जितना आप सामने वाले को ज़्यादा सुनोगे, आई अगेन रिपीट, जितना आप सामने वाले लोगों को जितना आप सुनोगे उतना ही आप सामने वाले को ज़्यादा इम्प्रेस कर पाओगे। ओके, बिकॉज यू हैव टू गिव अ रिस्पेक्ट। आप सामने वाले लोगों का रिस्पेक्ट दे रहे हो, वो जो बात कर रहे हो उसके लिए आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, ठीक है? इस वजह से आप सामने वाले को इम्प्रेस कर रहे हो, ना कि ज़्यादा बोलने से, खुद को उठा के बोलने से, ऐसा करने से, चपड़ चपड़ पचक पचक खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दिस इज नॉट रियली ट्रू। ओके, एंड दिस इज नॉट रियली सेंस टू इम्प्रेस पीपल। नाउ मूविंग टू द थर्ड मैजिकल टिप, एंड द थर्ड मैजिकल टिप इज ए आस्क अ क्वेश्चन एंड शो जेन्युइन रिस्पॉन्स। तो फिर आप इसे किस तरीके से करोगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सामने वाले इंसान को पूछ रहे हो, अरे क्या कर रहे हो, उसके बाद आपने पूछा अरे आपका नाम क्या है, तो फिर दिस इज नॉट रियली क्वेश्चनिंग सेंस। ओके, तो फिर क्वेश्चनिंग सेंस आपका क्या होना चाहिए? क्या कर रहे हो? इंजीनियरिंग। अच्छा, अरे वाह, कौन से डिपार्टमेंट से कर रहे हो? सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग से कर रहे हो, तो फिर फ्यूचर आपका क्या क्या प्लान है? जॉब तो लगने वाले है नहीं, तो फिर खुद का कंस्ट्रक्शन प्लान कर रहा हो। हाँ, अच्छा जी, बहुत बढ़िया करोगे, कीप इट अप, थैंक यू। मज़ा आया। सो गाइस, ऐसे होता है जेन्युइन क्वेश्चन और जेन्युइन रिस्पॉन्स देना, ठीक है? तो फिर अगेन रिकैप दिस थ्री मैजिकल टिप्स। नंबर वन, ऑलवेज टेक स्माइल। नंबर टू, लिसन नॉट मोर टॉक। थर्ड, आस्क अ क्वेश्चन एंड शो जेन्युइन रिस्पॉन्स। ओके, फिर यह है तीन टिप। अगर आपने यह तीन टिप आपने रेगुलर वे में अपने लाइफ में फॉलो कर लेना, तो फिर आप आसानी से लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो और अपनी साइकोलॉजी सेंस को आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है? तो फिर आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया। अगर आपको फ्यूचर में ऐसी ही वीडियो देखनी है तो फिर ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है? बिकॉज ऐसे ही साइकोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे फ्यूचर में आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून अस एंड स्टे ब्लास्ट इन योर लाइफ, एंजॉय एंड कीप स्माइलिंग।